अब क्योंकि इस स्टॉक की बात हुई है तो रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल, ये एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते अच्छी तेजी में था उसकी बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक गया, उसका अपडेट था और अब कंपनी ने सालाना आधार पर Q1 का अपडेट दिया है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कोई कंप्लेंट नहीं है। ईयर ऑन ईयर प्री सेल्स में 255% का इजाफा देखने को मिला है। एरिया सोल्ड 123% ऊपर है, कलेक्शन 102% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, खासतौर से प्री सेल्स और एरिया सोल्ड में। हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक क्विक चेक दे सके, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी क्यों है? तो नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। आपने कहा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरमी है, तो आप ये देखिए, अगर पिछले जो दोनों क्वार्टर हैं हमारे वो काफी ज्यादा बेहतरीन गए हैं। लास्ट क्वार्टर में जो कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, तो इन लास्ट दो क्वार्टर्स के अंदर हमने लगभग 7400 करोड़ के नियर अबाउट का टोटल सेल किया है। अगर आप कैलेंडर ईयर पे जाएं पूरा सब मिलाकर, तो कैलेंडर ईयर में पिछले दो सालों के कैलेंडर ईयर के जितने सेल नंबर थे उनसे कहीं ना कहीं ये बहुत मल्टीपल है। तो एक जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो आपको कहीं ना कहीं शो आ रही है कि जो भी ये नंबर हमने दिया है इस बार का, ये नंबर भी आप देखिए लगभग 3100 करोड़ का नंबर इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में हमने अचीव किया है। जो हमारी जो 10000 करोड़ की ईयर की गाइडेंस है उसका लगभग 30% है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो गाइडेंस हमने दी है वो कहीं ना कहीं बहुत हम कंफर्टेबली अचीव कर रहे हैं। लेकिन इस समय रफली डिमांड कितनी और मजबूत है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही आपने वो अपडेट दिया था कि गुड़गांव के प्रोजेक्ट में एक बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, तो ये क्या प्रीमियम प्रॉपर्टीज की तरफ ही ज्यादा रुझान बढ़ रहा है अग्रवाल जी? देखिए, जो डिमांड है वो ऑल स्पेक्ट्रम है। अगर आप मिड इनकम की बात करें या प्रीमियम हाउसिंग की बात करें, डिमांड दोनों जगह है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये साउदर्न पेरीफेरी रोड पर टाइटेनियम के नाम से लॉन्च हुआ था, जिसका रिस्पांस हमें काफी ज्यादा बेहतर मिला, जिसका टिकट साइज लगभग 4.40 करोड़ से शुरू होकर लगभग 5.50 करोड़ तक पहुंचता था। लोगों का रिस्पांस जो कस्टमर्स का था काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। लेकिन आने वाले जो क्वार्टर है इसमें मिड इनकम के अंदर भी हम काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक जो सोना रीजन है जो गुरुग्राम से सटा हुआ एरिया है, जो सबब है साउथ ऑफ गुरुग्राम जिसे हम बोलते हैं, आने वाले वक्त में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आपको वहां भी होते हुए लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और रफली प्राइस पॉइंट्स यहां से आगे और कितने बढ़ सकते हैं प्रदीप जी, वो एक सवाल है। एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जहां पर क्लियरली वो गुड़गांव मुंबई वाले मार्केट्स की बात हुई है, लेकिन जिस चरम पर ये प्राइस पॉइंट्स आप पहुंचे हैं, क्या सस्टेनेबल है, क्या आपको इसमें और बढ़त की अनुमान है? देखिए, प्राइस पॉइंट हो सकता है एक बार सेटल डाउन हुए हैं तो शायद बहुत ज्यादा इंक्रीज यहां से ना भी हो, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। आज की डेट में भी अगर आप देखें कि जितनी भी सप्लाई अगर गुरुग्राम मार्केट में आ रही है उसका जो बायर है ऑलरेडी इन प्लेस है। एक्चुअली में अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम की कुछ सालों का एक ट्रेंड चला है जिसके अंदर जो ब्रांडेड प्लेयर हैं उनके जो स्टॉक्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। और एक दूसरा ट्रेंड बाइंग साइड में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से माइग्रेशन का ट्रेंड गुरुग्राम की तरफ काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो इसका भी एक रीजन रहा है कि स्ट्रांग डिमांड गुरुग्राम में बनी हुई। ओके, तो अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्योंकि आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका स्क्यू कितना बदला है, कितना अफोर्डेबल हाउसिंग से कमाई होगी, कितनी आपकी इन प्रीमियम प्रोजेक्ट से आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि एक प्रोजेक्ट हिट हुआ और उसके बाद ये दूसरा वाला भी अगर एक अच्छा खासा डिमांड दिखा रहा है, आई एम अज्यूमिंग आप और अटेम्प्ट करेंगे इन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में नई प्रॉपर्टीज और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना। हर्षा जी, एक्चुअली देखिए, आप ये देखिए, ये जो हमारा टाइटेनियम SPR है यहाँ पर लगभग हमारे पास टोटल 17 मिलियन का पोटेंशियल है। तो ऑफ कोर्स आने वाले वक्त के अंदर और भी ऐसे प्रोजेक्ट आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमारा जो कोर एरिया सबसे ज्यादा जिस पे हम फोकस करते हैं वो मिड इनकम हाउसिंग का है। जैसा भी मैंने आपको कहा कि सोना रीजन में आने वाले वक्त में लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, जिनका जो प्राइस पॉइंट है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होगा। सो एक जो मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट। क्या आप लोगों पर भी प्रेशर होता है जिस तरह की डिमांड है, जल्द से जल्द बिल्डिंग खड़ी कर रहे और हैंडओवर करने की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जल्दी से जल्दी
उस बिल्डिंग को बनाना जो हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कितना लेबर वहां पे डाल पाते हैं। तो हमारा जो टोटल फोकस रहता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी और उससे जुड़े जितने भी सेफ्टी के मुद्दे हैं उन पर ज्यादा रहता है। और अभी ये जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करें इनके अंदर हम वैसे भी जो ग्रेड ए ईपीसी कॉन्ट्रेक्टर हैं उनको इन प्लेस कर रहे हैं, जिनके अंदर जितने भी बड़े नाम जो बड़े डेवलपर्स यूज करते हैं। तो जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट डीलेक्स डीएक्सपी सेल किया है या जो करंट टाइटेनियम एसपीआर किया है, इन दोनों में हम ग्रेड ए जो ईपीसी डेवलपर्स हैं उनको इन प्लेस कर रहे हैं। फाइनल सवाल अग्रवाल साहब, कंसिडरिंग गुड़गांव में आपके प्रोजेक्ट्स एब्सोल्यूट हिट हुए हैं, कोई और मार्केट्स जहां पर इस तरह का रिस्पांस आप देखने लगे हैं, जहां पर आप शायद एक्सपैंड करना चाहेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिल्ली एनसीआर हमारा कोर मार्केट है। अभी तक हमारा जो फोकस रहा है वो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ज्यादा रहा है, लेकिन हम आने वाले वक्त के अंदर जो नोएडा या जो दिल्ली है उसको हम टैप करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 और 26 में आपको नोएडा या दिल्ली के अंदर भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक। Q1 अपडेट एकदम जोरदार है, प्राइसिंग अब यहाँ से थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट चरम पर आई है। सिग्नेचर ग्लोबल एक परफॉर्मर रहा है पिछले हफ्ते और आज भी ये स्टॉक 1519 के आसपास ट्रेड कर रहा है।